नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया ने सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश नगर के संजय रघुवंशी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें शशि थरूर सहित वरिष्ठ पत्रकारों के नाम शामिल है। इन लोगों पर सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है। तो भोपाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया ने सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर जानकारी दी है। राष्ट्रद्रोह राजद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ है। मूलतः 153A बन भी 505 IPC, जिसमें समुदाय के बीच बेमानसता पैदा करना, घृणा पैदा करना, शत्रुता की भावना पैदा करना, तो इसमें किसान आंदोलन को लेके कुछ ऐसे ट्वीट किए गए जिससे समुदाय के बीच में बेमानसता, घृणा की भावना पैदा हो करके जो समुदाय के बीच स्वाधीनता का वातावरण है उसमें बाधा पैदा हो, लोक शांति में बाधा पैदा हो, जिस पर ये केस रजिस्टर्ड सांसद श्री शशि थरूर और अन्य के विरुद्ध। निकाय चुनाव समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हर निकाय का अलग घोषणा पत्र बनाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जाकर तैयार किया जाएगा। उमाशंकर गुप्ता का दावा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में एक तरफ जीत का परचम फहराएगी, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर के FIR दर्ज मामले पर भी उमाशंकर ने बड़ा बयान दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। निकाय चुनाव में कुछ मुद्दे प्रदेश स्तर के होते हैं, जनरली तो मुद्दे स्थानीय होते हैं और इसके आधार पर ही हम लोग स्थानीय हर निकाय का घोषणा पत्र और एक प्रदेश का घोषणा पत्र बनाएंगे और उस आधार पर ही चुनाव में जाएंगे। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरी निकाय की दशा जिस प्रकार से बदली है उसको लेकर और आगे 5 साल हम क्या करेंगे। अब आप एक ही कल्पना करिए कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, नगरी निकायों को क्षति पहुंचाने के लिए कमलनाथ जी ने क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी, जो लगातार हम बढ़ाते जा रहे थे उतनी रखने की बजाय 40% तक क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी थी। वहीं भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से, सतपुड़ा भवन में लोकायुक्त का छापा। बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में छापा मारा गया है। सहायक संचालक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। HB सिंह को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। स्कॉलरशिप के नाम पर मांगी थी रिश्वत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, सतपुड़ा भवन में लोकायुक्त ने छापा मारा है और इस छापेमारी में एक शख्स को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग में छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसी पर पूर्व कैबिनेट PC शर्मा टिप्पणी करते हुए बोले कि पूरे प्रदेश में नौकरियां खत्म हो गई हैं, जनता अपनी घटती आय और लगातार बढ़ रहे डीजल गैस के भाव से परेशान हो गई है। ऐसे में भाजपा जिस भी स्तर का घोषणा पत्र बना ले, जीत कांग्रेस की ही होगी। कि भोपाल संविधान वाले दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन कलंकित होने से बचाने का प्रयास इन नौजवानों ने करा और यही असल हिंदुस्तान है, यही भारत है, बस इसकी यही पहचान है, इतना ही मैं कहूँगा। दिक्कत है पूरी, आज पूरी जनता परेशान है, व्यवसाय खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, डीजल पेट्रोल रसोई गैस बिजली सबके भाव बढ़ रहे हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार ठेला लगा के काम करते हैं लॉकडाउन के, उनको नगर निगम उठा के ले जाती है, परेशान कर रही है।
वहीं भोपाल जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि प्रोडक्शन एक्ट एडवोकेट के लिए लागू किया जाए, जिसकी मांग लगातार प्रशासन से की गई है, मगर अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इधर जगदीश छवानी एडवोकेट्स पर 22 तारीख को अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत थाना कोहफिजा में दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। ये घटना कहाँ से स्टार्ट हुई? राजदेव कॉलोनी का एक प्रकरण था, वो बफ करने में चल रहा था। राजदेव कॉलोनी की बफ करने से हमें कोई मतलब नहीं है, केस से हमें मतलब है। बफ करने में हमारे एक वकील भाई वहाँ पे पेरवी कर रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पर जहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ पे सीसी कैमरे हैं सब लगे हैं, वहाँ पे उनको रोका और कहा गया कि आप वकालत नहीं करिए। हमें इस बात से रोष है, हमें उस बात से मतलब नहीं है कि केस कहाँ का है, किसका है, किसको कब्जा दिया गया, हाईकोर्ट में क्या चल रहा है। हमें मेन जो हमारी ग्रीवेंस है, जो हमें रोष है वहाँ वकीलों में, ये है कि एक वकील को पेशगी करने से रोका गया। इस पे हम लोग चाहते हैं कि तत्काल, हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है, उनसे हमने कहा है कि एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट जो बहुत देर से लागू नहीं हो पाया है, जिसको आपने ड्राफ्ट करके भेजा है, महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, हम चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए और अभी विधानसभा चालू नहीं है, इसलिए हमने कल मुख्यमंत्री से मांग करी है कि इसको अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू करें और तत्काल इसको अध्यादेश के माध्यम से लागू करें। यही हमारे उज्जैन के खाचरौद ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल की सौगात दी थी, लेकिन इन स्कूलों को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि भवन निर्माण के वक्त भी हमने ठेकेदार, इंजीनियर और अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालत अब यह हो गया है कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल जमीन जर्जर हालत में है और कुछ जगहों पर तो स्कूल की दीवार भी गिर गई है और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क सुरक्षा माह में महिलाओं और बच्चों को मुफ्त लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय और बाल विकास विभाग के सहयोग से यह निःशुल्क लाइसेंस कैंप आयोजित किया गया है। पूर्व में किए गए आवेदन पर निःशुल्क रूप से लाइसेंस बनाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस शिविर में आयोजित हुए कैंप में एसपी, थाना प्रभारी जैसे कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ये महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का हमने आयोजन किया है। जैसा आपको मालूम है कि ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 18 फरवरी तक, तो इस दौरान हम विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें से एक आज की ये गतिविधि है। इसमें महिलाओं को निशुल्क लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जैसी कि हमारे सीएम साहब की मंशा है। खाचरौद के ग्राम पंचायत बेरछा में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और सड़क का निर्माण न होने पर ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी अधिकारियों ने निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला है। इस मामले में पंचायत सीईओ का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। एक्चुअल सेंक्शन सुदूर सड़क जिला पंचायत से होता है, हम लोग सेंक्शन नहीं करते, हम लोग प्रपोजल सेंड करते हैं और जनपद स्तर से प्रपोजल ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। हम लोग अराउंड 1st of December 2020 को हम प्रपोजल सेंड कर चुके हैं। यहाँ से जानकारी आप वरिष्ठ कार्यालय से लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे स्तर का काम मैं कर चुकी हूँ। हाँ, कलेक्टर सर के आदेश के बाद हम लोग यहाँ से प्रपोजल भेज चुके हैं। वहीं शिवपुरी के करवाला क्षेत्र में कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक को बंधक बनाते हुए उसे खूब पीटा। दो दिन तक पिटाई के बाद अज्ञात हमलावरों ने युवक को वापस देहात कोतवाली के पास छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित मदद मांगने के लिए पुलिस के पास पहुंचा। पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पता नहीं मुझे कहाँ पे घर से उठाया था, मेरे को अपने घर से निकला था 8 बजे के टाइम, मेरे को उठाया है। दो दिन से बहुत मार रहे हैं मेरे को गाने के पास में। कुछ लोगों ने आवाज़ दी, कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरे को खोला है कल रात से। सब उसके घर वालों ने धमकी दी थी, जब भी ले गए वो लोग और मेरे को मक्के और फेंक के बोल दिया कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी से बोला
पोरसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दूध से भरी केन के साथ ई रिक्शा को जब्त कर लिया है। इसको लेकर पुलिस द्वारा खाद्य विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी पोरसा अनिल प्रताप सिंह परिहार पहुंचे, जहां अधिकारियों को पता चला कि एक कैन में दूध और दूसरी कैन में दूध में मिलावट करने वाली सामग्री तैयार की गई है, जिसमें से अधिकारियों द्वारा सैंपल एकत्रित किए गए हैं। खाद्य लाइसेंस के बारे में ई रिक्शा के मालिक ने बताया कि उसके पास खाद्य लाइसेंस नहीं है। वो प्रतिदिन 150 लीटर के लगभग दूध को इकट्ठा कर चिलिंग सेंटर पर विक्रय करता है। वही खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि जो दूध बेचने के लिए ले जा रहा था, वही दूध मिलावटी और थाना पुरसा द्वारा सूचना भेजी गई थी कि उनके द्वारा में एक गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें दूध और दूध में मिलाने हेतु तैयार किया हुआ घोल है। इसमें थाने पहुंच करके दूध और घोल का नमूना लिया है जांच के लिए, और जांच के लिए भेजा जाएगा इसको। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।